अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे मैंने ये क्या करा हुआ है, मतलब मैंने सही से दुपट्टा क्यों नहीं पहना। तो जी बिल्कुल, जिन लोगों को समझ आया उन लोगों के लिए ये है कि आज मैं आप सबको हिजाब ट्यूटोरियल बताऊंगी, हिजाब कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां ये चीज बोलती है कि हिजाब लगाने से क्या होता है कि हम ज्यादा खूबसूरत नहीं लगते। मेरा जितना मानना है हिजाब लगाने से हम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, हिजाब लगाने से बेहतर कुछ भी नहीं है। पर आप लोगों को मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी आज हिजाब लगाने के, बहुत ही आसान आसान तरीके। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हमें सिखाएं हिजाब लगाना, तो आज उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो मैं अंदर पहनती हूँ। ये जो कैप है ये इस तरीके की कुछ कैप है, ये तरीके की कैप है। अलग अलग कलर्स पहनती हूँ मैं, जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देखते हो। अभी मैंने ब्लैक पहना हुआ है क्योंकि मैंने अभी व्हाइट थोड़ा बहुत ग्रे टाइप का लगाया है, तो इसके ऊपर ब्लैक ही सही लगेगा। और अपने हिसाब से आप कलर लगा लें, कोई मसला नहीं है। इससे क्या होता है कि बाल निकलते नहीं है। बहुत सारे वीडियोस में मेरे बाल निकले हुए हैं यहाँ यहाँ से, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट वो जो वीडियोस थे वो बहुत ही जल्दी में बनाए गए हैं, इसलिए मैंने वो दुपट्टा सही से नहीं पहना था। तो ये कैप पहना करें आप लोग अंदर से, जो भी मेरे जैसा हिजाब लगाना पसंद करते हैं। और हिजाब तो है हमेशा सामने से फोल्ड करें, जैसे कि मैंने करा, तब जाके आप लोगों का हिजाब सही लगेगा। तो हिजाब फोल्ड करने के बाद एक साइड से भी थोड़ा हिजाब छोड़ दे और दूसरे साइड से थोड़ा ज्यादा ही छोड़े हिजाब लगाने के लिए। इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, या नबी या नबी। और यहाँ से अपने फेस कट के हिसाब से जितनी मर्जी उतनी लेयर्स डाल सकते हैं, मैं कम ही रखती हूँ क्योंकि तो ये रहा मेरा पहला हिजाब विदाउट पिन। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, और अगर आपका दुपट्टा थोड़ा भारी है तो आप ऐसे भी हिजाब लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही सही रहता है ऐसे। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे ज्यादा दुपट्टा नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं ठीक लगता है हमें, या बहुत ज्यादा पसीना आता है, या कुछ प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वगैरह होती है। तो उनके लिए भी है, यहाँ पे लूज रखने के लिए भी दुपट्टा है। तो इस बहाने से ये चीज बोल के बहाने ना बनाए कि दुपट्टा पहनना ही नहीं है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ उससे के लिए भी बहुत तरीके हैं दुपट्टा पहनने के। तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा, तुम्हारे लिए साहबे करम रवाना किए, के आबे भी हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सत्रे बदा तुम्हारे लिए, जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। ये दुपट्टा पहनना बहुत ही आसान है, बहुत ही सही है। तो आप लोग ऐसे भी दुपट्टा पहन सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दुपट्टा पहनने का। बहुत जल्दी में हम ये दुपट्टा पहन सकते हैं ऐसे। और कुछ लोग जो हैं वो अलग तरीके का दुपट्टा पहनना पसंद करते हैं, जैसे जैसे सामने से पूरा गोल तरीके का दुपट्टा। तो वैसे भी मैं दुपट्टा पहनना बता देती हूँ आप लोगों को कैसे पहनते हैं। सबसे ओला से ओला हुआला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, क्या खबर। तो ये दुपट्टा उन लोगों के लिए जो सामने से ऐसे रखना पसंद करते हैं, जो ऐसे रखना पसंद नहीं करते उनके लिए ये दुपट्टा, ये भी आराम से और बहुत ही इजी तरीके में पहन सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ से पिन यूज कर सकते हैं, बट जितना हो सके उतना पिन को अवॉइड करें, क्योंकि पिन से एक तो दुपट्टा खराब हो जाता है और पिन से क्या होता है गर्मी हो जाती है, ऐसे लूज लूज रहता है। जब मर्जी आप सही कर सकते हो, जब
ठीक लगे तब आप सही कर सकते हो। तो ये है उनके लिए दुपट्टा। अब बारी है झाझर दुपट्टे की, जो कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि झाझर दुपट्टे का हम क्या करें, हमारे बाल दिखते हैं और हम सही से कैरी नहीं कर पाते। अब देखिए मैं कैसे कैरी करती हूँ इस दुपट्टे को। जैसा कि आप लोग मुझे बोलते हैं कि ये वाला ज्यादा मेरे वीडियोस में रहता है ऐसा दुपट्टा, तो आप देखिए ये दुपट्टा मैं कैसे कैरी करती हूँ। अगर ज्यादा लंबा दुपट्टा है तो ज्यादा पीछे कर सकते हो ताकि डबल होके ये चीज ना दिखे। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी या नबी या नबी या नबी। तो ये दुपट्टा आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो या नबी या नबी। ये बहुत ही सही लगता है, बहुत ही अच्छा लुक भी देता है ऐसा दुपट्टा। तो ये सारा दुपट्टा रहा, इसमें आप ऊपर भी कर सकते हो। तो हर तरीके का दुपट्टा आप बहुत ही आसानी से पहन सकते हो, बहुत ही अच्छे से पहन सकते हो। ये कुछ तरीके थे, बहुत ही कम तरीके थे और बहुत ही सिमिलर तरीके थे, ताकि कोई बहाना ना करे आप दुपट्टा पहनने में। तो प्लीज कश्मीर की बहनों और कश्मीर के बाहर जो भी मुसलमान है, प्लीज दुपट्टा पहने। दुपट्टे में जितनी लड़की खूबसूरत लगती है उतनी बाल खुले छोड़ के बिल्कुल भी नहीं लगती। तो प्लीज दुपट्टा ट्राई करे, दुपट्टा पहने और इस्लाम में जरूरी है। तो प्लीज 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 आप पहना करें, दुपट्टे में बंदा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।